सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप किदा? आपा वधिया? ओका ते तुसी वधिया। सो आज का टॉपिक होने वाला है बड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस से वीडियो जाऊंगा, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ ड्राउजी। आज ही मैं उड़ीसा आया हूँ जमशेदपुर से। जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो उनको बता दूँ कि ये मेरा वर्क प्लेस है यहाँ पर उड़ीसा में, झारसुगुड़ा में, और जमशेदपुर मेरा होम टाउन है। सो मैं स्विच करते रहता हूँ दोनों टाउन्स में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेरे न्यू प्री वर्कआउट के ऊपर होने वाला है, और कुछ सिनेमेटिक शॉट्स आएंगे एक्सरसाइज के अच्छे। सो ये प्री वर्कआउट है फिनाफ्लेक्स का स्टीम लाइट, एंड मैं फटाफट से अभी आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ एंड मोर की फैक्टर्स। बट पहले इसको वहीं रखते हैं ट्राईपॉड को। सो या इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू परफेक्ट फ्रेम है। सो अब प्री वर्कआउट की बात करते हैं। सो ये स्टीमुल 8 है इसका नाम, ब्रांड है फिनाफ्लेक्स, होप्स आपने सुना होगा, पुराना ब्रांड ही है। और इसकी एक सर्विंग है 6 ग्राम की, कार्ब्स नहीं है, MG है, और भी इसके काफ़ी न्यूट्रिएंट्स है, बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है एंड्योरेंस प्लस रीपिंग मैट्रिक्स 2.6 ग्राम। रीपिंग मैट्रिक्स मतलब इसमें फैट बर्नर भी मिलाया हुआ है इस प्री वर्कआउट में, और बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। बट इसका एक और नया फ्लेवर, मतलब इसका एक नया और एक ये बोल सकते हैं स्टिमुलेट, एक हार्डकोर आया है, इसका नया एक पार्ट आया है। बट उसमें फैट बर्नर नहीं है, वो नॉर्मल है। ये फैट बर्नर साथ है और ये पुराना वाला है। जो नया वाला हार्डकोर आया है उसमें फैट बर्नर नहीं है। जो भी लेना चाहे वो भी ले सकते हो, वो सिर्फ एक बेसिक प्री वर्कआउट है। इस प्री वर्कआउट के साथ फैट बर्नर है। सो इसमें बता देता हूँ मैं और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बीटा एलानिन है, कैफीन है, ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट, कोकोआ सीड एक्सट्रैक्ट, एल फिनाइलएलनिन गुआसिया, कैसे ऐसे नाम दिए, स्पेल भी नहीं हो रहे, थियाक्रीन, रोवा फॉलिया, रूट एक्सट्रैक्ट। और इसमें यह है कि कोई भी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं उसके बारे ये नहीं दिया है कि वो कितने अमाउंट में है। और रिपिंग मैट्रिक्स में मतलब ये पूरा एक सेक्शन जो रिपिंग मैट्रिक्स है उसमें 2.6 ग्राम लिख के ये सब उसमें ऐड कर दिया है। एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि इसमें क्या दिए हुए हैं। डब्बे के टॉप में उसके ढक्कन पे ये ज़रूर दे दिया है स्ट्रीम इफेक्ट्स टेक हाफ सर्विंग। बट मैं बताऊँ, मैं खुद इसकी फुल एक सर्विंग लेने वाला हूँ। और इसमें लिखा हुआ है 8 to 16 ounce कोल्ड वाटर के साथ एक स्कूप लें 15 to 30 minutes prior to your workout। Do not drink more than 1 serving daily। Do not exceed recommended dosage। Unparalleled energy, endurance, ripping matrix, extreme effects। So 15 to 30 minutes लिखा है। मेरा जिम यहाँ से 5 minutes है, 5 minutes by bike। So पर मैं इसे जिम में लूँगा क्योंकि मुझे वार्म अप करते हुए वैसे भी 10 to 15 minutes हो जाते हैं। सो मैं जस्ट इसे वार्म से पहले लेता हूँ जिम एंटर करने के बाद, और आपको वही बताता हूँ। उससे पहले कुछ प्री वर्कआउट भी लेना था, वैसे मैं प्री वर्कआउट में बनाना चाहता हूँ, बट मैं आया हूँ तो कुछ अभी मार्केट गया नहीं हूँ, तो अभी तो बनाना नहीं खाऊँगा। थिंकिंग ऑफ ईटिंग सैंडविच, जो वो भी मैं याद बनाऊँगा। मार्केट जाते हैं, पहले खाते हैं और उसके बाद जिम जाते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, प्री वर्कआउट ले लिया है और धीरे धीरे मुझे बॉडी में वो हीट एक फील हो रही है हल्की सी, धीरे धीरे वो एक फील आ रहा है हीट का, वो बढ़ रहा है। और आज मेरा पुल सेशन होने वाला है
मतलब आज बैक एंड बाइसेप्स एट मोस्ट लगने वाले भाई, और ये प्री वर्कआउट इतना जल्दी हिट कर रहा है। अभी मैंने जस्ट 2 मिनट हुआ ही है ड्रिंक किया है और अभी से हीट चालू हो गई है, मतलब ये पूरा पसीने छुड़ाने वाला है, क्योंकि इसमें जो रिप मैट्रिक्स है, फैट बर्नर जो डाला हुआ है, वो भाई अल्टीमेट गर्मी देगा। और पता नहीं आज ये जिम में इन्होंने एसी भी नहीं चलाया है, वो तो विंटर सीजन है, बट अपने को तो भाई बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ी देर में कार्डिगन उतारूँगा। ओके स्टार्ट करते हैं तब वार्म अप से। ज़्यादा हीट छोड़ रहा है प्री वर्कआउट मेरा, और अभी आप देख सकते हैं इतना पंप आ गया है। अभी ये मेरा लास्ट आइटम होने वाला है बैक का, उसके बाद आई विल गो ऑन फॉर बाइसेप्स। सो डन विद द स्ट्रेंथ सेशन, अभी थोड़ा कार्डियो करूँगा, 200-300 कैलोरीज जलाऊँगा और उसके बाद ओवर। स्वेट देख के और थोड़ी रेडनेस देख के समझ में आ गया होगा क्या हीट प्रोड्यूस कर रहा है ये प्री वर्कआउट, बट अच्छा हीट किया, एनर्जी क्रैश नहीं हुई, इट्स ऑल गुड। बहुत ज़्यादा एक नहीं होगी। सो या गाइस आई एम बैक, बट अभी घर नहीं आया हूँ, आई एम एट माई फ्रेंड शॉप। देव सर, हेलो सर, आपने इनको पहले भी देखा होगा मेरी वीडियो में, एक प्री वर्कआउट वीडियो में बनाई थी, इन्हीं की शॉप है। सो जो भी मुझे झारसूगुड़ा बेल पहाड़ पर देख रहे हैं वो इनकी शॉप विजिट कर सकते हैं, सप्लीमेंट लेने के लिए। देखिए भाई मस्त मस्त सप्लीमेंट लगे हुए हैं, सो ज़रूर आइए। और जहाँ तक बात रही प्री वर्कआउट की, बहुत सॉलिड प्री वर्कआउट है भाई, और आपके अगर कोई भी डाउट्स अगर उससे रिलेटेड होंगे या कुछ और भी चीज़ के डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइट में भी शो हो रहा होगा। टिल देन पीस, ओके बाय।